बिहार के राज परिवार का एक नौजवान जो समाजवाद की राह सीखने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आ गया। बिहार का वही नौजवान जो छात्र नेता बनने के बाद इंदिरा की हुकूमत को उखाड़ने के लिए अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे देश में पांव पांव फिरा। बिहार का नेता जिसने नीतीश कुमार के दरबार में टिकट के लिए जाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि जिस नीतीश के साथ मैंने पार्टी बनाई क्या उसके पास सिर्फ अपना टिकट मांगने जाऊंगा। बिहार का एक स्थापित नेता जिसने गर्जना करते हुए कहा कि मेरी पार्टी मेरी कोख है मेरी माँ है और कोई मुख्यमंत्री मुझे इससे बेदखल नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और दी लल्लनटॉप डॉट कॉम के पॉलिटिकल किस्सों में आज बात बिहार के नेता दिग्विजय सिंह की। क्या सोचा था, सिर्फ कांग्रेस के पास ही दिग्विजय सिंह है, जनता परिवार के पास भी एक दिग्विजय सिंह थे। बिहार के बांका जिले में एक जगह है पंडित बलराम शर्मा कॉलेज। 2009 की अप्रैल का वाकया सुना रहा हूं आपको। दोपहर का वक्त, चिलचिलाती धूप, कॉलेज के मैदान में 10,000 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। मंच पर एक जाना पहचाना चेहरा आता है और लगता है कि जैसे भीड़ में जिंदगी दौड़ गई। नारा लगना शुरू होता है, दिग्विजय दादा जिंदाबाद। थोड़ी देर में नारा रुक जाता है और जैसे आजकल आप मोदी मोदी की आवाज़ सुनते हैं ना, वैसे ही बलराम कॉलेज में सिर्फ दादा दादा की आवाज़ सुनाई देती है। ये दिग्विजय सिंह का चुनावी मंच है। बांका में शायद ही कोई हो जो उन्हें सीधे उनका नाम लेकर पुकारता हो। उनके वक्त में सबके लिए वो दादा थे। दादा मतलब बड़ा भाई। दादा मंच पर आता है, हाथ उठाकर लोगों को शुक्रिया अदा करता है, इसके बाद अपने रंग में आ जाता है। मंच की तरफ एक पोस्टर लगा हुआ था पृष्ठभूमि में, उसकी तरफ दिग्विजय सिंह इशारा करते हैं। वहाँ पर उनका चुनाव निशान है, नगाड़ा। दिग्विजय सिंह बोलते हैं, ये नगाड़ा विद्रोह का नगाड़ा है, हमें इसे इतना बजाना है कि नीतीश कुमार की नींद हराम हो जाए। दरअसल 2009 के लोकसभा चुनाव में बांका की लोकसभा सीट एक ज़बरदस्त मुकाबले की गवाह बन रही थी। कभी जनता दल यू के कद्दावर नेता थे दिग्विजय सिंह, लेकिन इस बार वो बांका की सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। इज्जत सिर्फ दिग्विजय सिंह की दांव पर नहीं थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 1994 में बिहार के दो पढ़े लिखे नेताओं ने, दिग्विजय सिंह और नीतीश कुमार ने, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर जो समता पार्टी खड़ी की, महज 15 साल में वो इस मोड़ पर आ गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। एनडीए के पहले दौर में सबसे ताकतवर गठबंधन नेता रहे जॉर्ज फर्नांडिस निर्दलीय मैदान में मुजफ्फरपुर की सीट पर, और बांका की सीट पर नीतीश और दिग्विजय के बीच की कॉमन कड़ी उन्हीं जॉर्ज फर्नांडिस के चेले दिग्विजय सिंह भी निर्दलीय मैदान में। और मैदान में लाल कृष्ण आडवाणी जो जिम का उद्घाटन कर रहे थे, हाथ में डंबल लेकर अपने आप को युवा भारत का दावेदार बता रहे थे, जिनके लिए टर्म ईजाद कर दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। प्राइम मिनिस्टर का जिक्र आया, प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। साल था 1983 का। किसी दौर में इंदिरा की किचन कैबिनेट का हिस्सा रहे युवा तुर्क रहे चंद्रशेखर 1983 में जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। एक बार फिर से वो इंदिरा की सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए थे। उन्होंने भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से एक पैदल मार्च शुरू किया था। 4,260 किलोमीटर का ये मार्च था, इसका नाम था भारत यात्रा। अप्रैल में इस मार्च को नई दिल्ली के राजघाट पर ख़त्म होना था। क्यों निकाला गया था ये मार्च? क्योंकि चंद्रशेखर को लग रहा था कि जनता पार्टी की सरकार भले ही 1980 के पहले ही धराशायी हो गई हो, लेकिन वो विचार अभी बाकी है। कांग्रेस ने अभी भी अपनी प्रॉमिसेस को पूरा नहीं किया है।
और इसलिए युवाओं के सहारे कांग्रेस का विकल्प पेश करने का समय आ गया है। समाजवादी धारा से जुड़े कई नौजवानों को चंद्रशेखर की पुकार में अपने लिए चुंबक जैसा कोई आकर्षण नजर आया। कॉलेजों के यूनिवर्सिटी के कई छात्र नेता इस यात्रा के दौरान, भारत यात्रा के दौरान उनसे जुड़ने लगे। ऐसा ही एक नौजवान था बांका का, दिग्विजय सिंह। वही बांका जिसने 1980 में खुर्राट समाजवादी नेता मधुलिमीय को हार चखा दी थी। दिग्विजय सिंह शाही परिवार में पैदा हुए और जिनके लिए जनता के सीधे संपर्क में आने का ये पहला मौका था। वो देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इस यात्रा में शामिल होने आई छात्रों की एक छोटी सी टुकड़ी का हिस्सा थे। इस टुकड़ी में कौन कौन थे? सुधींद्र भदौरिया जी, जिनको आप दिन रात टीवी पर देखते हैं, आनंद कुमार, प्रोफेसर आनंद कुमार, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता आनंद कुमार, और अब योगेंद्र यादव के दल का हिस्सा आनंद कुमार, और अनुराग चतुर्वेदी भी। ऐसे कई छात्र नेता चंद्रशेखर जी की यात्रा में पहुंचे। जेएनयू से आई इस टोली का एक खास काम था, वो यात्रा के हर पड़ाव पर अध्यक्ष जी से एक दिन पहले ही पहुंच जाते, फिर वहां के बुद्धिजीवी वर्ग और पत्रकारों से मिलते, अगले दिन होने जा रही सभा की तैयारियों का जायजा लेते और उस जगह के बड़े बड़े मुद्दों को सूचीबद्ध करते। बाद के दौर में ये पैदल यात्रा और इसमें जो वॉलंटियर का काम किया था दिग्विजय ने, वो उनकी सियासी यात्रा में बड़ी छलांग का बायस बनने जा रहा था। दिग्विजय शाही परिवार से आते थे, उनकी इस यात्रा तक पहुंचने की यात्रा भी कम दिलचस्प नहीं थी। आज़ादी से पहले बिहार में रियासतें हुआ करती थी बाकी देश की तरह। ऐसी ही एक रियासत थी गिद्धौर। फिलहाल का जो जमुई शहर है, कस्बा है, वो इसी रियासत का हिस्सा हुआ करता था। गिद्धौर रियासत में एक जमींदारी हुआ करती थी, लाल कोठी उसका सिंबल था, उसका अड्डा था। आज़ादी से पहले गिद्धौर राजघराने से जुड़े कुमार सुरेंद्र सिंह यहाँ के सामंत हुआ करते थे। उन्हीं के घर 1955 में दिग्विजय सिंह का जन्म हुआ था। माँ बाप की इकलौती संतान, राज परिवार में पैदा हुए दिग्विजय शुरुआती दौर में ही समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए और ये जैसे कबीर की उलट बांसी का एक नया दैहिक मुहावरा बन गया। पटना में पढ़े, आगे की पढ़ाई के लिए जेएनयू आए, पढ़ाई भी की, सियासत भी की। उन दिनों जेएनयू में सीपीएम का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, SFI यानी कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसका दबदबा हुआ करता था। इसके खिलाफ समाजवादी विचारधारा के छात्रों ने अपना नया संगठन खड़ा किया, इसका नाम था समाजवादी युवजन सभा। दिग्विजय सिंह इसी के बैनर तले जेएनयू छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी का चुनाव भी जीते और जेएनयू में रहने के दौरान ही उनकी जॉर्ज फर्नांडिस और चंद्रशेखर जैसे नेताओं के साथ करीबी बढ़ गई। करीबियों का जिक्र आया है तो दिग्विजय के डेब्यू का जिक्र करते हैं, करीबियों का जिक्र करते हैं और जिक्र करते हैं रिश्तेदारियों का। 1989 के आखिरी में देश में लोकसभा चुनाव हुए। जो चंद्रशेखर सोच रहे थे कि 1984-85 में उनकी सत्ता में वापसी होगी, उनके अरमान ध्वस्त हुए क्योंकि इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद का चुनाव सहानुभूति लहर पर लड़ा और जीता गया था। ऐसे में जनता परिवार के नेताओं को, समाजवादी परिवार के नेताओं को लगा कि 1989 में उनकी बारी आने को है। देश में राजीव गांधी के खिलाफ माहौल था, नारा लग रहा था, मिस्टर क्लीन, मिस्टर क्लीन गंदली क्यों है, तोप मशीन, बोफोर्स का जिक्र था, गांव और कस्बों की दीवारों पर पोत दिया गया था, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। जी, गांव देहात में उन्हें राजीव गांधी नहीं कहा जाता था, राजू गांधी कहा जाता था। लेकिन उनको चुनौती देने के लिए तीन ध्रुव तैयार हो रहे थे। एक तो लेफ्ट का, जो अपने गढ़ों में बहुत मजबूत था और गढ़ों के बाहर जिनकी चूजों जैसी हैसियत थी। दूसरा था समाजवादी परिवार का कुनबा, जो जनता दल के नाम पर फिर से एकजुट हो गया था। तीसरा ध्रुव बनाने की कोशिश कर रही थी लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, राम मंदिर के आंदोलन के सहारे। जनता दल की बात करें तो ये एक तो हो गए थे कुछ बुजुर्गों के दबाव में, लेकिन गुटबाजी खत्म नहीं हुई थी और सबसे बड़े गुट थे विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के। दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े थे और बांका लोकसभा का टिकट उनके टकराव का एक नया मोर्चा बन चुका था।
ये मोर्चा समझने के लिए, यहाँ पर जो फैक्टर्स काम कर रहे थे उसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें रिश्तेदारियों में भी दाखिल होना पड़ेगा। वीपी सिंह के बेटे अजय सिंह की शादी बांका में हुई थी। वीपी सिंह चाहते थे कि बांका से जनता दल का टिकट उनके समधी प्रताप सिंह को मिले। उधर चंद्रशेखर ने दिग्विजय सिंह के पीछे जोर लगा रखा था। लंबी रस्साकशी के बाद तय हुआ कि प्रताप सिंह को टिकट दिया जाएगा, मगर एक ही शर्त पर। शर्त ये कि जैसे ही बिहार से राज्यसभा की सीट खाली होती है, उस सीट से दिग्विजय सिंह को नामांकित किया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। प्रताप सिंह बांका से चुनाव जीतकर सांसद बने और कुछ ही महीनों के बाद दिग्विजय सिंह भी बिहार के कोटे से राज्यसभा में पहुंच गए। ये उन दिनों की बात है जब ऊपर खाने सब ठीक नज़र आ रहा था, लेकिन ये सब ठीक एक बरस भी कायम नहीं रहा। वीपी सिंह की सरकार 1989 के आखिरी में बनी, 1990 पूरा करने से पहले ही उनके शब्दों में कहें तो शहीद हो गई। क्यों शहीद हो गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था, क्योंकि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को जनता दल के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद जनता दल में टूट हुई। चंद्रशेखर के नेतृत्व में एक अलग धड़ा बना। चंद्रशेखर संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ वो तमाशा भूले नहीं थे, जिसमें चौधरी देवीलाल को आगे करके उनका राजनीतिक वध करने की कोशिश की गई थी। बहरहाल चंद्रशेखर टूटे और कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। अध्यक्ष जी का सपना पूरा हो गया। उन्हें 7 साल पहले की अपनी पैदल यात्रा बखूबी याद थी। उन्हें याद थे वो लोग जो उस यात्रा में उनके हम कदम और हमने वाला थे। उन्हें दिग्विजय सिंह याद थे। इसीलिए चंद्रशेखर ने, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने अपने मंत्रिमंडल में दिग्विजय सिंह को जगह दी। उन्हें वित्त मंत्रालय का डेप्यूटी मिनिस्टर बनाया गया। सब जानते हैं चंद्रशेखर सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली। राजीव गांधी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया और इसके बाद जनता दल के सभी धड़ों के बुरे दिन शुरू हो गए। पार्टी कई टुकड़ों में बट गई। कभी भारत के मजदूर आंदोलन के पोस्टर बॉय रहे जॉर्ज फर्नांडिस भी अपना टुकड़ा लेकर अपना भविष्य तलाशने की कोशिश कर रहे थे। और इसी क्रम में 1994 में उन्होंने एक नया सियासी गुंताड़ा पेश किया, नाम समता पार्टी। इसमें उनके साथ वो सब लोग जुड़े जो लालू प्रसाद यादव ब्रांड पॉलिटिक्स से खुश नहीं थे। कौन थे ये लोग? नीतीश कुमार और दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो जॉर्ज के साथ, जॉर्ज साहब के साथ समता पार्टी के संस्थापक सदस्य बने। इस सदस्य की राजनीतिक विचारधारा और लचीलापन देखिए। अभी कुछ दिनों पहले तक वो तीसरे मोर्चे की बात किया करते थे, फिर अचानक से जॉर्ज के कहने पर नीतीश भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में जाते हैं और कुछ ही महीनों के बाद भाजपा से गठबंधन कर लेते हैं। 1996 में दिग्विजय सिंह की राज्यसभा सदस्यता पूरी हो चुकी थी। उनकी नई बनी समता पार्टी ने उनको फरमान सुनाया या उनसे आग्रह किया कि आपको अब उसी बांका से चुनाव लड़ना चाहिए जहां से आप चुनाव लड़ने की हसरत पाले हुए थे। बांका में उनके सामने थे जनता दल के टिकट पर गिरधारी यादव। ये नाम याद रखिएगा, दिग्विजय के किस्से में ये नाम कई बार और लौटेगा। करीबी मुकाबला, जोरदार मुकाबला। एक तरफ लालू यादव का गढ़, दूसरी तरफ अब की बारी अटल बिहारी का नारा। करीबी मुकाबले में दिग्विजय सिंह 14,715 वोटों से चुनाव हार गए। 1996 में 13 दिन की अटल सरकार के बाद बनी संयुक्त मोर्चे की लंगड़ी सरकार, जो 2 साल में 2 प्रधानमंत्री देने के बाद सीताराम केसरी की जिद के चलते भरभरा कर गिर गई। 1998 में नए सिरे से चुनाव हुए। एक बार फिर से बांका की सीट पर समता पार्टी के टिकट पर दिग्विजय सिंह मैदान में थे। एक बार फिर से उनके सामने थे गिरधारी यादव। गिरधारी यादव के साथ कुछ तब्दीलियां हुई थी। उनका सिंबल बदल गया था, उनकी पार्टी बदल गई थी। गिरधारी यादव पिछली दफा जनता दल के चक्र चुनाव निशान से मैदान में थे।
लेकिन पिछली दफा और इस दफा के बीच चारा घोटाले का खुलासा, आरोप पत्र, लालू यादव की गिरफ्तारी, जनता दल में विभाजन और राष्ट्रीय जनता दल का उदय, ये सारी चीज़ें हो चुकी थीं और इसलिए गिरधारी यादव लालटेन के चुनाव निशान पर मैदान में थे। दिग्विजय ने करीबी मुकाबले में गिरधारी यादव को लगभग 11,000 वोटों से हराया। दिग्विजय को 3,31,660 वोट मिले, जबकि गिरधारी यादव को 3,20,369 वोट। करीबी मुकाबलों का ये सिलसिला दूसरे चुनाव में ही ठिटक नहीं गया, आगे इस पर और बात करेंगे। फिलहाल तो आपको बांका से वापस नई दिल्ली लेकर आते हैं, जहां साल 1998 है और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन चुकी है। सरकार चलती है, हिचकोले लेकर चलती है, ऐसे चलती है कि सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकारों से मिलते हैं और जब एक पत्रकार कहते हैं वाजपेयी जी आज रंग में नहीं हैं, तो वाजपेयी गंभीरता के साथ कहते हैं आपके बाद जयललिता आने वाली हैं, और उसके बाद ठहाका लगाकर हंस देते हैं। ठहाके ठिटक गए अप्रैल 1999 में, क्योंकि जयललिता आई नहीं, चली गई। वो गई, साथ में बहुमत गया और एक वोट से सरकार गिर गई। 1999 में चुनाव हुए, सरकार गिरने और चुनाव के बीच में करगिल पर पाकिस्तान का हमला हुआ, नाजायज हमला, और उसके बाद हुआ ऑपरेशन विजय। इन सब के आलोक में जब चुनाव हुए तो एनडीए ने पिछली बार के मुकाबले इस दफा ज़्यादा बड़ी जीत हासिल की। लेकिन बांका में कभी ज़्यादा बड़ी जीत नहीं होती, यहाँ तो गिरधारी यादव और दिग्विजय सिंह का कट टू कट मुकाबला होता है। लेकिन इस दफा लालू यादव को कुछ और ही सूझ रहा था और इसलिए उन्होंने जमे जमाए छत्रप गिरधारी यादव का टिकट काट दिया और अपने करीबी शकुनी चौधरी को टिकट थमा दिया। गिरधारी यादव चुप कहाँ बैठने वाले थे, वो ताल ठोक कर मैदान में आ गए निर्दलीय। तो मुकाबला त्रिकोणी हो गया, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो मैदान में थे ही। मुकाबला इस बार भी एक तरफा नहीं रहा। दिग्विजय बाबू को मिले 2,33,453 वोट, गिरधारी यादव ने 2,12,045 वोट हासिल किए और लगभग 23,000 वोटों से वो चुनाव हारे। लेकिन उन्होंने लालू यादव को आईना दिखा दिया, क्योंकि लालू का कैंडिडेट शकुनी चौधरी सिर्फ 1,60,678 वोट हासिल कर चुका था, जबकि सूबे में राबड़ी देवी की सरकार थी। 1999 के लोकसभा चुनाव में जीत ने दिग्विजय सिंह के लिए सत्ता के गलियारे खोल दिए। वो अटल बिहारी वाजपेयी की बैक टू बैक बनी दूसरी सरकार में कई मंत्रालयों के मंत्री बने। 1999 से 2001 के बीच वो रेलवे के राज्य मंत्री रहे, फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मिला। 2002 में उन्हें विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया, जहां वो 2004 तक बने रहे। 2004 इंडिया शाइनिंग का नारा, एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी को लाने की अपील ढेर हो गई। नतीजों ने इस चकाचौंध को फर्जी साबित कर दिया। उनकी सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए, उन्हीं में से एक थे दिग्विजय सिंह। लगातार दो चुनाव हारने के बाद गिरधारी यादव ने 2004 के चुनाव में स्कोर सेटल कर लिया। मुकाबला इस बार भी करीबी था, फर्क सिर्फ इतना था कि गिरधारी लालू के खेमे में लौट चुके थे, या लालू को समझ में आ गया था कि बांका की जमीन पर उनकी पार्टी का डंडा और झंडा सिर्फ गिरधारी ही गाड़ सकता है। गिरधारी यादव को 2004 के चुनाव में 3,39,880 वोट मिले और दिग्विजय सिंह 3,35,211 वोट ही हासिल कर सके। कहानी आगे बढ़ती है, कहानी वहाँ लौटती है जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई। कहानी बांका के कॉलेज के उस मैदान पर लौटती है, कहानी उस मंच पर लौटती है जिसकी पृष्ठभूमि की तरफ दिग्विजय सिंह इशारा कर रहे हैं। पर ये सब कुछ ऐसा ही था क्या? 2007 तक ऐसा नहीं था। क्या था ये जानेंगे
पहले ये जान लीजिए कि दिग्विजय सिंह बोल क्या रहे हैं उस वक्त। दिग्विजय सिंह कहते हैं, मेरा जन्म चाहे अपनी माँ की कोख से हुआ हो, लेकिन मेरा राजनीतिक जन्म बांका की धरती से हुआ है। समता पार्टी को मैंने जॉर्ज साहब के साथ मिलकर खड़ा किया, ये मेरा बनाया हुआ घर है। नीतीश कुमार मुझे मेरे घर से बाहर निकालने वाले कौन होते हैं? मैंने अपनी मर्जी से जनता दल यूनाइटेड छोड़ा है। दरअसल 2007 के नए परसीमन के बाद से पटना में नए किस्म की सुगबुगाहटें शुरू हो चुकी थी। नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता में आए 2 बरस हो चुके थे। नए परसीमन में बांका लोकसभा सीट का मिजाज बदल गया था। जेडीयू ने तर्क दिया कि परसीमन के बाद ये सीट दिग्विजय सिंह के लिए मुफीद नहीं है, और इसलिए नीतीश कुमार ने युक्ति भिड़ाई कि उनकी तत्कालीन सरकार में जो सामाजिक कल्याण मंत्री हैं दामोदर राउत, उनको टिकट दिया जाए। दामोदर राउत झाझा सीट से विधायक थे, और परसीमन के बाद बांका की लोकसभा सीट में जिन 2 विधानसभा सीटों को अलग किया गया था उनमें झाझा भी एक सीट थी, झाझा। ऐसे में नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया ये तर्क बड़ा खोखला था। साफ समझ में आ रहा था कि जब विधायक जी की ही सीट उस लोकसभा में नहीं, तो उनको किस हिसाब से टिकट देने की पैरोकारी की जा रही है। आपको ये समझना होगा कि इस पैरोकारी के पीछे की सियासत क्या थी। नीतीश और दिग्विजय लगभग एक ही कद के नेता थे, या वो ऐसा समझते थे, और दोनों के बीच के संबंध एक नाजुक संतुलन पर टिके हुए थे। दोनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते थे। नीतीश बिहार की सियासत करते थे, दिग्विजय दिल्ली की, और जॉर्ज फर्नांडिस जो इस संतुलन को साधने वाली कड़ी थे, इनके कभी राजनीतिक गुरु थे, वो अब एक्शन से मिसिंग थे। 2005 में सूबे का मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने एक एक करके जॉर्ज और उनके करीबियों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। उनकी बीजेपी में अरुण जेटली से यारी थी, जॉर्ज वाजपेयी के करीबी थे जो खुद राजनीतिक रूप से नेपथ्य में चले गए थे। ऐसे में नीतीश को किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए था, और नीतीश की ये पॉलिटिकल स्टाइल भी है। नीतीश की, नरेंद्र मोदी की, और भी कई ऐसे नेताओं की जो ताकतवर हैं और जो अपने दम पर जनादेश लाते हैं, वो किसी भी संभावित विरोध को, किसी भी संभावित समानांतर राजनीतिक केंद्र को पनपने नहीं देना चाहते। और नीतीश को तो हमेशा ही ये डर था कि जॉर्ज नाम के बरगद के नीचे वो कितना पनप पाएंगे। आलम ये हो गया कि सलाखों के पीछे रहकर 1977 में जो जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर से लोकसभा का चुनाव जीत गए थे, उनको उन्हीं की बनाई, उन्हीं की शुरू की गई पार्टी के नेता ने टिकट देने से इनकार कर दिया। जॉर्ज फर्नांडिस का अंत महाकाव्यों के उस नायकों के अंत सा था जिसके आखिरी ड्रामे में, आखिरी एक्ट में ग्लोरी नहीं लिखी थी, कुर्बान होना लिखा था। जॉर्ज फर्नांडिस जो 2004 के चुनाव में 3 लाख से ज़्यादा वोट पाकर मुजफ्फरपुर से चुनाव जीते थे, वो 22,000 वोट पाकर निपट गए, जमानत जब्त हो गई उनकी। लेकिन दिग्विजय सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस का एक और चेला, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसको पता था कि नीतीश उसका टिकट काटेंगे, लेकिन उसको ये भी पता था कि उसने बांका की राजनीतिक जमीन किसी नीतीश कुमार के सहारे तैयार नहीं की है। उस वक्त इन दोनों के साथ रहे शिवानंद तिवारी ने इस पॉलिटिकल किस्से की तैयारियों के दौरान हमें ये बताया। शिवानंद क्या कहते हैं सुनिएगा। मैंने उस समय भी नीतीश के इस कदम का विरोध किया था। दिग्विजय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, आप परसीमन का बहाना बनाकर उनका पत्ता नहीं काट सकते। जब वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो आप कौन होते हैं सही और गलत तय करने वाले? उस समय कई लोगों ने दिग्विजय सिंह को ये सलाह दी कि आप एक बार नीतीश कुमार से जाकर मिल लीजिए, वो सुलह कर लेंगे। लेकिन बकौल शिवानंद तिवारी, दिग्विजय ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। वो बोले, मैं पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ, एक टिकट के लिए नीतीश के दरबार में हाजिरी नहीं लगाऊंगा, ये मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। नीतीश और दिग्विजय के बीच अदावत की एक वजह यह भी थी। नीतीश चाहते थे कि अब जनता दल यूनाइटेड से जुड़े सभी नेता उनकी सरपरस्ती स्वीकार कर लें। शिवानंद का कहना है कि नीतीश पार्टी के भीतर किसी विरोधी विचार को कभी बर्दाश्त ही नहीं करते, और दिग्विजय ये बात जानते थे। 2007 जब ये सब चल रहा था,
तभी इम्तियाज अली की इम्तू की डायरेक्ट की हुई एक फिल्म आई थी जब वी मेट। इसका एक गाना लोगों की जबान पर चढ़ गया था, नगाड़ा 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 बजा। 2009 में यही गाना दिग्विजय सिंह के चुनाव प्रचार में काम आ रहा था। समृद्ध परिवार से आने वाले दिग्विजय सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने चुनाव को महंगा करने के बजाय रचनात्मक रूप से उसका स्तर बढ़ा दिया। जेएनयू की शिक्षा उनके काम आई। लोहिया जेपी और किशन पटनायक की पाठशाला से निकले देश भर के समाजवादी लेखक, पत्रकार, रंगकर्मी, बुद्धिजीवी दिग्विजय के चुनाव प्रचार के लिए बांका पहुंचे। जनसत्ता के प्रसिद्ध संपादक प्रभास जोशी ने उनके प्रचार अभियान की पहली सभा को संबोधित किया था। 2009 के लोकसभा चुनाव परिणाम ने नीतीश कुमार के टिकट काटने के तर्क की धज्जियां उड़ा दी। इस चुनाव में दूसरे बड़े राजनीतिक दल राजद ने भी अपने सिटिंग सांसद गिरधारी यादव का टिकट काट लिया था। उनकी जगह जयप्रकाश नारायण यादव को टिकट दिया गया था। गिरधारी यादव भी चूकने वाले कहां थे। उन्होंने चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया और मैदान में उतर गए। तो इस तरह से बांका में चौतरफा मुकाबले की बिसात बिछी। जीत के ढोल बजे, ढोल नगाड़े के निशान पर चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह के खेमे में। दिग्विजय सिंह को मिले 1,85,762 वोट, बड़ी आसानी से जीत गए। दूसरे नंबर पर थे आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव, जिन्हें 1,57,046 वोट मिले, यानी कि लगभग 28,000 वोटों का मार्जिन। अगर आपने पॉलिटिकल किस्सा गौर से सुना होगा तो आप फौरन पकड़ जाएंगे कि ये पिछले कुछ चुनावों का सबसे बड़ा मार्जिन था। सियासत के तर दिग्विजय सिंह की जिंदगी क्या थी। दिल्ली की उस कोठरी में वो बहुत पॉपुलर थे जो खादी में होकर भी अंग्रेजी दावर के बीच सहज रह सकते थे अपनी शिक्षा दीक्षा के कारण। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में एक तरफ तो संघ से आए लोग अपना दबदबा चाहते थे, जिन्होंने जमीन का काम किया था, जिन्होंने खद्दर सिर्फ पोशाक के तौर पर नहीं अपनाई थी बल्कि खद्दर की तरह ही कठोर जीवन जिया था और घिस घिस के ऊपर तक आए थे। लेकिन एक अंग्रेजी दा तबका भी था, पॉलिश ढंग से इंग्लिश मीडिया से बात करने वाला, बंद गले के सूट पहनने वाला, कोई जहाज उड़ाता, कोई प्रेस को ब्रीफिंग देता सुप्रीम कोर्ट से आकर। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में भी इन दो जमातों के बीच संघर्ष चलता रहता है। दिग्विजय सिंह दोनों जमातों के बीच प्रिय थे और उनकी दिलचस्पी सिर्फ सियासत में नहीं थी, निशानेबाजी में भी थी, और शायद इसीलिए उनको पता था कब कहां एम करना है। पर एक आदमी था जो निशानेबाजी में दिलचस्पी ना होने के बावजूद ये जानता था कि किसको निशाने पर रखना है, और इसीलिए नीतीश कुमार ने राजनीतिक ताकत पाते ही अपने भविष्य के संभावित विरोधी दिग्विजय सिंह को किनारे करना शुरू कर दिया। दिग्विजय सिंह के शौक का जिक्र हो रहा है। 1999 से 2010 तक वो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। अक्टूबर 2010 की बात है, दिल्ली में तब कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे थे और उसकी तैयारियों के लिए एक दो बरस से दनादन मीटिंग और आयोजन हो रहे थे। ऐसी एक मीटिंग जून 2010 में लंदन में हुई। वहां पर राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर दिग्विजय सिंह मौजूद थे, और तभी 24 जून के रोज़ ब्रेन हैमरेज हुआ और दिग्विजय सिंह का देहांत हो गया। उनके पार्थिव शरीर को हवाई जहाज़ के ज़रिए दिल्ली लाया गया। यहां से पूर्वा एक्सप्रेस की एक बोगी में उनका शव उनके पुश्तैनी घर नयागांव पहुंचाया गया। वही रेल, वही पटरी जिसको बांका से जोड़ने के लिए आज भी दिग्विजय सिंह को याद किया जाता है। कहते हैं कि बड़ी कहानियों में कहानी पूरी होने के बाद भी कोई प्रसंग रह जाता है। प्रसंग दिग्विजय सिंह की बेटी का, जो उनकी मौत के वक्त उनके साथ थी। बेटी जो निशानेबाजी करना चाहती थी, बेटी जिसे पापा के दोस्त और अब बीजेपी के सांसद और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी की शुरुआती तालीम दी। बेटी जिसने
पिछले दिनों गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए निशानेबाजी में सोना जीता बेटी जिसका नाम श्रेयसी सिंह है। नारों का तो पता नहीं पर बेटियां हमेशा मान बढ़ाती हैं। मान की कहानी, अपमान की कहानी, यानी कि सियासत के सब रंगों की कहानी आपको सुनाता है dlallantop.com अपने पॉलिटिकल किस्सों के जरिए। यदि बिहार के नेता दिग्विजय सिंह का ये पॉलिटिकल किस्सा आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से अवगत करवाइए। नीतीश की राजनीतिक अदाएँ, दिग्विजय के अच्छे बुरे किस्से, जॉर्ज के किस्से, मुझे पता है आप लोग बार बार जॉर्ज फर्नांडिस के पॉलिटिकल किस्से की मांग कर रहे हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि किस्सा अपनी तैयारियों के अंतिम चरण में है। आप देख रहे हैं dlallantop.com। यदि आपको इस तरह के वीडियोस पसंद हैं और आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की सप्लाई आप तक निरंतर होती रहे तो dlallantop के फेसबुक पेज को लाइक करिए और सी फर्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करिए ताकि जब भी कोई पोस्ट कोई वीडियो अपलोड हो आपको फौरन से खबर हो जाए। यदि आप यूट्यूब के ज़रिए dlallantop के वीडियोस को देखते हैं और अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन यानी कि घंटी का निशान, ताकि जब भी पॉलिटिकल किस्से अपलोड हो आपको फौरन से खबर हो जाए। शुक्रिया।